सीए को लेकर कितनी भी अफवाह फैला दी जाए, लेकिन मोदी सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों को भी दी है। पीएम मोदी ने सीए पर फ्रंट फुट पर रहने की बात कही है और सीए को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि हम फ्रंट फुट पर रहे हैं। ऐसे में सभी घटक दल आक्रामक रुख अख्तियार करें। सीए से किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि सीए के मुद्दे पर कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। इस देश के मुसलमानों का भी देश पर उतना ही हक और कर्तव्य है जितना बाकियों का। नागरिकता संशोधन कानून के तमाम घेराबंदी के बावजूद सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं जाएगी। इसकी जानकारी एनडीए की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने खुद दी। सीए का मामला जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने जो पास किया था, लोकसभा में हमारा बहुमत है, बीजेपी का अकेले बहुमत है और राज्यसभा में जो है हर पार्टी के लोगों ने, हर पार्टी का तो नहीं लेकिन अधिकांश पार्टी के लोग जो है, चाहे क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है उन्होंने जो है सो समर्थन दिया और उसका नतीजा हुआ कि सीए क्या कहते हैं कि पास हो गया। अब सीए का क्या कहते हैं जो है, जब एक बार पार्लियामेंट में पास हो गया, लोकसभा में राज्यसभा में जो है, तो अब वो क्या कहते हैं कि सब लोगों को जो है उसका क्या कहते हैं कि स्वागत करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में एनपीआर और एनआरसी को लेकर भी बातचीत हुई। इस मीटिंग में एनआरसी और एनपीआर को लेकर क्या बात हुई है, इसकी भी जानकारी रामविलास पासवान ने साझा की। जो एनपीआर है, तो एनपीआर आपको सब लोगों को मालूम है कि ये 2010 में जो है, जब यूपीए की सरकार थी उस समय में क्या कहते, 7 मई 2010 को जो है जो होम मिनिस्टर उस समय के थे पी चिदम्बरम जी थे, उनका भाषण सुनिए और उसमें क्या कहते हैं कि उसको जो है रूस में उन्होंने डालने का क्या कहते हैं काम किया। जहां तक मान लेते हैं कि एनआरसी का मामला है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि उसका अभी प्रश्न नहीं है, वो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो सारी चीजें चल रही है उसमें क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको सबके प्रति सहानुभूति है, हमारे नजर में संविधान है, हमारे नजर में न हिंदू है न मुसलमान है न सिख है न ईसाई है, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। और इसलिए क्या कहते हैं कि जो है जितना जल्द से जल्द जो है शांति स्थापित हो सके उतना ही क्या कहते हैं कि देश के हित में जो है अच्छा है। यानी कि इस बैठक में अपनी पार्टी और सहयोगियों को ये साफ कर दिया गया है कि सीएए पर डिफेंसिव मोड में आने की किसी को जरूरत नहीं है। ऐसे में अब सीए को लेकर जो विरोधियों का स्टैंड है वो क्या होगा, ये देखना भी दिलचस्प है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, भारत तक।